mornings are magical, isn't it? They are such a special time, and the great thing is you get to decide how to spend them. I am most creative during the early morning hours, and it's hard for me to imagine starting my day any other way. Getting up early may not be that enjoyable for few, but let me tell you, it's always profitable. I do these things so that I can set the tone for a positive and a productive day. They always leave me feeling relaxed and ready to conquer whatever comes my way. Namaskar, aap sabhi ka mere channel pe swagat hai, and I hope all of you are healthy and happy. आज के प्रोडक्टिव थर्सडे एपिसोड में मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी, किस तरह से मैं अपनी दिनचर्या निर्धारित करती हूँ, उसे प्रोडक्टिव बनाती हूँ, उसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादक बनाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है, बस थोड़ी सी डिसिप्लिन और डेडिकेशन की जरूरत है। व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर टुडे इज अ टिपिकल मॉर्निंग रूटीन। My morning routine till breakfast time remains same 365 days irrespective of the weekends or any guests at home. शुरू करने से पहले एक बात यहाँ मुख्य रूप से स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये मेरा निजी मॉर्निंग रूटीन है जो कि मेरी जरूरतों को पूरा करता है। आपको अपने मॉर्निंग रूटीन के साथ कंपेयर करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक की अपनी परिस्थिति होती है, अपनी जरूरतें होती हैं। डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस एंड प्रायोरिटीज इन लाइफ। तो चलिए देखते हैं कि मेरी मॉर्निंग रूटीन कैसी है। लेकिन शुरू करने से पहले करेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। और हाँ, चूंकि ये मॉर्निंग रूटीन का वीडियो है, थोड़ा लंबा हो सकता है, तो विनती करूंगी कि अंत तक बने रहिएगा। माय डे बिगिंस एज अर्ली एज 4:30 AM। मैं हर रोज सवेरे 4:30 बजे उठकर सीधा वॉशरूम जाकर खुद को फ्रेशन अप करती हूँ और चेंज करती हूँ। अराउंड 5:00 आई हेड टूवर्ड्स माई मॉर्निंग वॉक। सवेरे जल्दी उठने की आदत मेरी बचपन से रही है। जब मैं 5 साल की थी तब मैं अपने दादाजी के साथ सवेरे सवेरे वॉक पे जाया करती थी, और फिर वापस आकर मेरी मम्मी मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। उसके बाद चूंकि मैं साइंस स्ट्रीम में थी तो कॉलेज भी सुबह 7 बजे ही शुरू हो जाया करता था। सो ऑल थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव बीन अ मॉर्निंग पर्सन। एंड डू यू नो हु अकंपनीज मी ऑन माई मॉर्निंग वॉक? यू गेस्ट इट राइट, म्यूजिक। म्यूजिक बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ हैज बीन माई बेस्ट कंपेनियन। उम्र के साथ साथ हम जिंदगी के तौर तरीकों को बेहतर समझने लगते हैं। नो डिस्टर्बेंस, नो बॉदरेशन, बस मैं और मेरा संगीत। इतनी सुबह ना कोई आपको देखने वाला, ना जज करने वाला, ना लोगों की भीड़, ना कोई शोर, बस ताज़ी हवा, खुला आसमान, प्रकृति के बीच बेहद सुकून वाली अनुभूति। आप ट्राई करके देखिएगा, यू विल फील अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ स्टाइल। शुरू में अगर 2 दिन मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, 3rd day से कंटिन्यू कर लीजिएगा। अगर किसी दिन उठने में थोड़ी देर हो जाए तो 1 घंटे की जगह 20 मिनट का वॉक ले लीजिएगा। यकीन मानिए, धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी एंड यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग दिस मी टाइम। चूंकि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, मैं इस समय जाती हूँ वॉक के लिए। सर्दियों में मैं थोड़ा लेट जाती हूँ नाश्ता और लंच बनाने के बाद, और वापस आने के बाद मैं 1 ग्लास पानी लेकर कुछ देर गार्डन में बिताती हूँ, बालकनी में। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल प्लेन वाटर प्रेफर करती हूँ, मैंने इसमें ना तो लेमन और ना ही कोई हनी वगैरह मिलाया है।
कुछ देर अपने पौधों के साथ बिताती हूँ, सूखे पत्तों को निकालती हूँ, उन्हें सहलाती हूँ। आफ्टर ऑल दे ऑल्सो लव टू बी पैम्पर्ड। और इस समय मैं मोबाइल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाती हूँ। चिड़ियों की चहचहाहट, कोयल की कूक और सूर्योदय का अद्भुत नज़ारा, दिन की शुरुआत इससे बेहतर और क्या होगी। उसके बाद मैं अपने पौधों को पानी देती हूँ। पौधों में सुबह सवेरे ही पानी देना चाहिए, ना कि शाम को। और इस तरह से ऊपर हाथ रखकर छींटा मारते हुए उन्हें पानी देना चाहिए, डायरेक्ट रूट्स में पानी नहीं डालना चाहिए। और इस तरीके से पत्ते भी धुल जाते हैं और साफ हो जाते हैं। और मील प्रेप मैं एक दिन पहले करके रखती हूँ, जैसे कि आटा को मलकर, सब्जियों को काटकर, ताकि सुबह सुबह मुझे कोई टेंशन ना हो और मेरा काम आसान हो जाए। तो नहाने जाने से पहले मैं इन सारी चीज़ों को फ्रिज से बाहर निकाल देती हूँ। अंडों को बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, बटर बाहर निकाल देती हूँ। और अगर मुझे चावल बनाना है तो वॉक पे जाने से पहले ही मैं पतीले में चावल चढ़ा कर जाती हूँ, ताकि वापस आते आते चावल बनकर रेडी हो जाता है। मैं कुकर में चावल नहीं बनाती हूँ। और उसके बाद मैं पूजा रूम की साफ़ सफाई करती हूँ, एंड देन आई टेक माई बाथ। मीनवाइल माई हस्बैंड कट्स फ्रूट्स। उन्हें सुबह सुबह पपीता खाना बेहद पसंद है। It soothes his system for the entire day, and such support from your spouse is not only motivating but also gives you immense mental strength. हम औरतों के लिए नहाना बहुत बड़ा काम होता है। एक बार स्नान हो जाए तो लगता है आधा काम निपट गया, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगता है। एंड अर्ली मॉर्निंग ड्रेसिंग अप, गेटिंग रेडी फॉर द एंटायर डे गिव्स यू अ बूस्ट। ज़रा सोचिए, अगर कोई आपसे कहता है कि अच्छी लग रही हो, तो सुनकर कितना अच्छा लगता है, है कि नहीं? दिस डज नॉट मीन अप्लाइंग लोड्स ऑफ मेकअप अर्ली मॉर्निंग। आइडिया इज टू लुक टाइडी एंड प्रेजेंटेबल, If not for others, for yourself. सुबह सुबह की पूजा एक तरह से ईश्वर का धन्यवाद करना होता है। जब हमारे घर कोई अतिथि आने वाला होता है तो उसके स्वागत की तैयारी हम पहले से करते हैं। ठीक उसी प्रकार सूर्य भगवान का स्वागत हमें उनके उगते ही करना चाहिए, ना कि दिन चढ़ने पर। मैंने नहा धोकर सुबह का पूजा पाठ फिनिश कर लिया है और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। तो मैं जनरली 6:30 से 7:45 के बीच किचन में आ जाती हूँ नाश्ता और लंच बनाने के लिए। ड्यूरिंग दीज आवर्स माय एनर्जी इज एट पीक। द होल आइडिया इज टू एक्सट्रैक्ट मोस्ट आउट ऑफ माय मॉर्निंग्स। तो सबसे पहले लंच बनाऊंगी, उसके बाद सैलड्स और फ्रूट्स काटूंगी और उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। अगर आप अपने पूरे दिन को अलग अलग हिस्सों में बांट लेंगी तो आपका काम आसान हो जाएगा, जैसे कि मॉर्निंग टाइम, किचन टाइम, कुकिंग टाइम, क्लीनिंग टाइम, और अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो किड्स टाइम। दीज हैबिट्स हेल्प मी टू टेक कंट्रोल ऑफ माई डेली चोर्स। और इसके फ़ायदे अनेक होते हैं। घर साफ रहता है, हर चीज़ समय से तैयार मिल जाता है, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे खुशी देती है वो ये कि मैं अपने लिए समय निकाल पाती हूँ। और सुबह सुबह किचन के काम सारे फिनिश हो जाते हैं और मैं दिन भर के लिए निश्चिंत हो जाती हूँ। फ्रूट्स काट कर रख देती हूँ फ्रिज में, जिसे जब खाना हो वो खा सकते हैं, मेरे लिए कोई बॉदरेशन नहीं रह जाता है। और अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसे भी बहुत आसानी से हैंडल कर लेती हूँ, या फिर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उनके साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। और यहाँ मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ, थोड़ा सा रेजन्स और नट्स भी पैक कर रही हूँ। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ फॉर द एंटायर वीक, द नट्स एंड द रेजन्स, क्योंकि हस्बैंड्स को तो खाने का समय ही नहीं मिलता है, ऑल ऑफ अस नो दैट। दिस इज ओनली फॉर माई सेटिस्फैक्शन। काश रियल लाइफ में भी सारा काम ऐसे ही फास्ट फॉरवर्ड मेथड से हो जाता तो कितना अच्छा होता। सो लंच इज डन, अब ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ।
अभी सुबह के करीब 8:30 बज रहे हैं और हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद और किचन वाइंड अप करके मैं हाफ एन आवर का ब्रेक लेती हूँ. आई चेक माय ईमेल्स, सोशल मीडिया व्हाइल लिसनिंग टू द म्यूज़िक और उसके बाद डस्टिंग और क्लीनिंग का काम शुरू करती हूँ गाना सुनते सुनते. और ये आधे घंटे का ब्रेक बहुत ही उपयोगी होता है. ये आपको रिचार्ज करता है एंड इट वर्क्स एज एन एनर्जी बूस्टर. And I'm really thankful to my son who shares my burden and arranges all the washed utensils in its place. इस तरह से घर के लोग अगर आपका काम बांट लेते हैं तो काम आसान हो जाता है. और जिन्होंने मेरा क्लीनिंग वीडियो देखा है उन्हें पता होगा कि मैं हाउस हेल्प के आने के पहले सारी चीज़ों को इस तरह से ऊपर उठा कर रखती हूँ. जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, चेक कर सकती हैं. तो जैसा कि मैं बता रही थी कि काम को डिवाइड कर लेना चाहिए, मैं डे वाइज काम को डिवाइड कर लेती हूँ. जैसे कि डस्टिंग मैं वीक में सिर्फ 2 बार करती हूँ और लॉन्ड्री भी मैं वीक में 3 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार करती हूँ. तो जिस दिन मुझे लॉन्ड्री करना है उस दिन डस्टिंग स्किप कर देती हूँ. जिस दिन मुझे बाथरूम या फिर डीप क्लीनिंग करनी है उस दिन लंच हल्का फुल्का बना लेती हूँ. तो इस तरह से काम को डिवाइड करके करने से इरिटेशन भी नहीं होती है और थकावट भी नहीं रहती है और आपका मेंटल पीस भी बना रहता है. और पोछा लगने के पहले मैंने इस मनी प्लांट को अच्छे से नहला दिया है ऊपर से नीचे तक, क्योंकि ये इतना घना और भारी है कि इसे रोज़ रोज़ उठाकर अंदर बाहर करना पॉसिबल नहीं होता है. तो घर का सारा काम फिनिश हो गया है, घर साफ हो गया और अब बज रहे हैं सुबह के 10. तो इस समय तक मेरा मॉर्निंग रूटीन हर दिन मोर और लेस सेम रहता है. इसके बाद या तो मैं अपना वीडियो शूट करती हूँ या एडिट करती हूँ या कोई DIY बनाती हूँ या फिर बाहर बाज़ार का कोई काम रहा तो उसे निपटाती हूँ, या फिर चूंकि मुझे म्यूजिक का इंटरेस्ट है तो कोई गाना रिकॉर्ड कर लेती हूँ. सो आई वुड से डिसिप्लिन इज द रीजन बिहाइंड माय प्रोडक्टिव मॉर्निंग्स. वो कहते हैं ना, अनुशासन ही उद्देश्य और उपलब्धि के बीच का सेतु है. आप में से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का सजेशन दिया है. वेल, थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन और कोशिश करूंगी कि उन टॉपिक्स को आने वाले वीडियो में कवर कर सकूं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. आज के लिए बस इतना ही. मिलती हूँ अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बाय.